मैं गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूं कि महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी श्री मोहन प्रसाद गुप्ता को लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज भले ही ना जा पाए चुनाव प्रचार करने शारीरिक तौर पर, लेकिन वर्चुअल वो गोपालगंज के लोगों को संदेश भेजने में कामयाब हुए। नीतीश कुमार ने लोगों से राजद के उम्मीदवार को जिताने की मांग की है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि गोपालगंज उनका घर है और हर हाल में वो घर जीतना चाहते हैं। लंबे समय के बाद गोपालगंज में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मैदान में हैं और राजद हर हाल में यह सीट जीतना चाहती है। इसके लिए नीतीश कुमार भले ही गोपालगंज नहीं गए, लेकिन ललन सिंह चुनाव प्रचार कर चुके हैं और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज के लिए वीडियो संदेश जारी किया है। वीडियो संदेश में गोपालगंज में किए गए विकास कामों की चर्चा की है। नीतीश ने साफ कह दिया कि गोपालगंज के लिए नीतीश कुमार ने यानी बिहार की सरकार ने बहुत काम किया है, आगे भी जो काम अधूरे पड़े हैं उसे पूरा किया जाएगा, बस गोपालगंज की जनता राजद के उम्मीदवार को जिताने का काम करें। जाहिर सी बात है कि यहाँ भी आरजेडी को जो लड़ाई है आरजेडी की, वो सीधे भाजपा से है। बीजेपी वहां से एक बार फिर से अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारी है और बीजेपी के खिलाफ राजद ने इस बार वहां पर बेस्ट समाज से आने वाले एक व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है और लड़ाई बीजेपी के जो है वो और आरजेडी के बीच बताई जा रही है। हालांकि इस जंग में तेजस्वी यादव की मामी भी मैदान में उतर गई हैं और दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। देखना है गोपालगंज के लोग नीतीश कुमार के अपील पर क्या करते हैं। जब चुनाव के परिणाम आएगा उस वक्त ये पता चलेगा कि नीतीश कुमार ने जो वीडियो संदेश जारी किया था गोपालगंज के लोगों के लिए, उसका असर चुनाव पर कितना पड़ा है। फिलहाल तमाम जो आरोप लग रहे थे भाजपा के नीतीश कुमार के ऊपर कि वो आरजेडी के उम्मीदवार का चुनाव प्रचार नहीं करना चाहते हैं, उन तमाम आरोपों के बीच नीतीश ने यह संदेश दे दिया कि फिलहाल बिहार में महागठबंधन पूरी तरीके से अटूट है और इस गठबंधन में कोई भी जो किचकिच है वो नहीं है, कोई भी मतभेद नहीं है। भाजपा बस आरोप लगा ले, नीतीश कुमार पूरी ईमानदारी से इस बार आरजेडी के साथ खड़े हैं। यानी नीतीश इस बार अपनी ईमानदारी का, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार राजद के साथ जो दोस्ती हुई है उसको पूरी ईमानदारी से निभाना चाहते हैं। कमोबेश संदेश तो कुछ ऐसा ही नीतीश के द्वारा दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मुझे भी चुनाव प्रचार के लिए आना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से मैं नहीं आ पाया। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से श्री मोहन प्रसाद गुप्ता महागठबंधन के 7 दलों के समर्थन से राजद के उम्मीदवार हैं। गोपालगंज के विकास के लिए राज्य सरकार को जो भी करना था हम लोगों ने किया है। गोपालगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज, ट्रामा सेंटर एवं अन्य संस्थानों की स्थापना की गई है। हम लोगों को आपने काम करने का अवसर दिया तो हम लोगों ने जनहित में काम किया, विकास किया। हम समाज में प्रेम एवं भाईचारा बनाए रखने की लगातार कोशिश करते रहे। बिहार में सामाजिक सद्भाव कायम रखा गया है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हम लोग लगातार बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं ताकि बिहार का विकास और तीव्र गति से हो सके, परंतु केंद्र सरकार द्वारा अब तक यह मांग स्वीकार नहीं की गई। केंद्र सरकार बिहार अथवा अन्य पिछड़े राज्यों पर कोई ध्यान नहीं दे रही तथा केवल अपना प्रचार करती रहती है ताकि कोई विकास की चर्चा न करे। इसलिए बिहार के लोगों को सजग रहना चाहिए। मैं तो आ नहीं पाया हूं, लेकिन इस संदेश के माध्यम से मैं गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूं कि महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी श्री मोहन प्रसाद गुप्ता को
लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।